गुड आफ्टरनून बच्चों सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून जो भी बच्चे जोड़ते जाएं वो बच्चे जोड़ते जाएं सभी बच्चे शेयर करते जाएं बच्चों शेयर करते जाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस बैच का लाभ ले सके इफ यू आर गिविंग सपोर्ट टू मी टूडे यू विल सर्टेनली गेट टू सपोर्ट आफ्टर सम डेज किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आ रही होगी और बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखें ये लाइव क्लास आपकी है अच्छे अच्छे लोग जो सभी सुविधा संपन्न लोग होते हैं उनको भी लाइव क्लासेस लेने में कहीं कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वैसे भी आप देख रहे होंगे ये बारिश का मौसम है नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं तो तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा यदि बीच में कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो बच्चों प्लीज़ आप धैर्य रखिएगा तुरंत दूसरे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा आपको ठीक है इसीलिए दो दो ब्रॉडबैंड लगवाए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए सभी बच्चे शेयर करते जाएं सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून और एक ऐसा बैच हम बनाए बच्चों जहां शुरू से लास्ट तक सभी चीजें आपके प्रिपेयर होती रहे आपको इंग्लिश में एज फॉर ग्रामर एंड वर्ड पावर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े सभी बच्चों ने शेयर कर दिया बच्चों सभी बच्चों ने शेयर कर दिया लाइक कर दिया जवाब दे दें सभी बच्चों ने शेयर कर दिया बच्चों ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। बच्चों ने शेयर नहीं किया आपने शेयर नहीं किया क्या शेयर कर दिया हो तो यस या नो कह दें बच्चों सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं जोड़ते जाएं बच्चों ठीक है बोर्ड बिल्कुल साफ दिख रहा होगा आज आपको कोई दिक्कत नहीं अक्षर भी देख लेते हैं साफ दिख रहा होगा बच्चों ठीक है <coughs> आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है आपको है चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं और अभी मोबाइल मैं अपनी रखता हूं जिसमें कमेंट्स देख रहा हूं आप अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा और जिस समय पढ़िएगा उस समय आप पूरा मन लगा करके ध्यान से आप पढ़िएगा यू विल शो योर होल कंसेंट्रेशन आप अपना पूरा जो कंसेंट्रेशन है एकाग्रता है वो यहां लगाएंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज डे सेकेंड एक तरह से पढ़ाई का डेमो का दूसरा दिन हम शुरू करते हैं और हमने कल पढ़ा हुआ था अगर आपको याद हो कल हमने पढ़ा हुआ था कि इंग्लिश कब शुरू हुई इंग्लिश को शुरू करने का श्रेय किनको दिया जाता है इंग्लिश सबसे पहले कहां पर शुरू हुई और कितने भागों में इंग्लिश को उसके प्रयोग के आधार पर उसमें परिवर्तन के आधार पर इंग्लिश को हम कितने भागों में बांट सकते हैं यहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे हमने पढ़ा था कि ग्रामर जो है सबसे पहली किताब ग्रामर की किसी भी भाषा में ने लिखी थी, जो आज ग दो सौ साल पहले उन्होंने एक किताब अष्टाध्यायी नाम के लिखी थी उसी में पहली बार संस्कृत में उन्होंने ग्रामर का व्याकरण का जिक्र किया था लेकिन जहां तक इंग्लिश के ग्रामर की बात है तो पहली बार सबसे पहले पहली बार पंद्रह में फिफ्टीन में विलियम बुलोकर ने एक किताब लिखी ग्रामर की एन सॉरी ग्रामर क्या नाम था बच्चों ऑन इंग्लिश ग्रामर इस किताब पे आगे ग्रामर बेस्ड हुआ और आज हम एक मॉडर्न ग्रामर की तरफ बढ़ चुके हैं जहां बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं ठीक है फिर आपने पढ़ा था एक ग्रामर क्या होता है तो आप बता सकते हैं ग्रामर इज एन आर्ट ग्रामर एक ऐसी कला है Which us. जो हमें ये हाउ वी शुड राइट हाउ वी शुड स्पीक हाउ वी शुड रीड यानी हमें अच्छे से कैसे लिखना है कैसे पढ़ना है कैसे बोलना है यह हमें कौन सिखाता है ग्रामर सिखाता ठीक है फिर आपने पढ़ा था ग्रामर को कितने भागों में बांट सकते हैं हम उसे डिस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव दो भागों में बांट सकते हैं जो डिस्क्राइब है लिखा गया है वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है और जो प्रेस्क्राइब्ड है प्रेस्क्रिप्शन जिसका दिया गया है वो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है ठीक है यहां तक हमने पढ़ा था और अब हम इसके आगे आज से शुरू करते हैं बच्चों और ये देखते हैं हम किस तरह से ग्रामर को लेकर चलते हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स ये आप यानी अगर हमको ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर में सबसे पहली जो हमारी बेसिक यूनिट्स होती इकाइयां होती हैं वो क्या होती हैं जरूरी है बच्चों अगर आपको अच्छा ग्रामर पढ़ना है तो आप मेरे पर भरोसा करें शुरू से लास्ट तक सब कुछ आपको मिलेगा लेकिन अगर आप इसको एक बच्चा चाहेगा कि सीधे मैं आपको कंपटीशन लेवल पे पढ़ाने लगूं तो ऐसा संभव नहीं बच्चों ये मेरा पहला दूसरा दिन है डेमो क्लासेस है तो मैं बिल्कुल बिगनिंग से ही लेकर चलूंगा ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी चीजों को समझ सके और जो बच्चे अच्छे रहेंगे वो तो किसी भी लेवल पे समझ सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले ये ग्रा, ग्रामेटिकल यूनिट्स देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास ये पांच हमारी ग्रामेटिकल यूनिट्स होती है कौन कौन सी पहला मॉर्फेम होती है दूसरा वर्ड होता है तीसरा फ्रेज होता है चौथा क्लास होता है और पांचवा सेंटेंस होता है ये सबसे पहले जो हमारी ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं ये पांच है हमारे पास जो हैलीडेज ने जो एक ब्रिटिश लैंग्विस्ट है ब्रिटेन के भाषा विज्ञानी हैं उन्होंने इस तरीके का पांच यूनिट्स को डिवाइड किया था कौन कौन सी -E -E, वर्ड जानते हैं आप फ्रेज और सेंटेंस इनको हमको सबसे पहले जानना होगा आप बच्चों सोचिएगा कुछ भी इंग्लिश में कुछ भी आप लिखेंगे हर हाल में वो कोई कोई वर्ड होगा अगर वो वर्ड होगा तो हर हाल में आगे बढ़ करके वो फ्रेज बनेगा अगर वो फ्रेज होगा तो वही फ्रेज बढ़ करके क्लास बनेगा और अगर वो क्लास होगा तो वही बढ़ करके क्या बनेगा एक सेंटेंस बनेगा जो भी बच्चे ग्रामर में सेंटेंस एरर समझना चाहते हैं जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट समझना चाहते हैं जो सेंटेंस फिलर्स समझना चाहते हैं जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो पिक्यूआर यानी जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस करना चाहते हैं कुछ भी आप इंग्लिश में करना चाहते हैं यू मस्ट नो दिस फाइव ग्रामेटिकल यूनिट्स तो आपको इन पांच ग्रामेटिकल यूनिट्स को जानना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बेस यानी यदि आप एक आधार देना चाहते हैं योर इंग्लिश अपनी अंग्रेजी को तो आपको इन पांच यूनिट्स को पहले तैयार कर लेना चाहिए फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए ठीक है तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो क्या है मोरफीम है ठीक है समझ गए चारों पांचों कोई भी आपसे पूछे ग्रामेटिकल यूनिट्स में क्या क्या चीजें आती हैं अगर आप ये भी ना समझ रहे हो कि सर ग्रामेटिकल यूनिट्स क्या होती हैं तो समझ सकते हैं बच्चों ग्रामर में उपयोग होने वाली यूनिट्स यानी ग्रामर में उपयोग होने वाली इकाइयाँ वो इकाइयाँ वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं पहली मॉर्फिम है दूसरी वर्ड है तीसरी फ्रेज है चौथी क्लास है और पांचवी सेंटेंस आपकी ठीक है देखिए सबसे पहले आपकी यूनिट क्या है बच्चों मॉर्फिन मॉर्फिन को हिंदी में क्या कहते हैं आप शब्द के भाग ये आपका मॉर्फिम होता है यानी मॉर्फिम को क्या कहते हैं हिंदी में शब्द के भाग यानी एक शब्द को कितने भागों में हम बांट सकते हैं यही हमारा मॉर्फिम होता है कोई भी पूछे मॉर्फिम क्या होता है आप कहें शब्द को कितने भाग में बांट सकते हैं उस भाग को ही हम क्या कहते हैं मारफीम कहते हैं ठीक है एक मारफीम दो हो सकता है आपके पास एक फ्री मारफीम और एक बाउंड मारफीम ठीक है एक मारफीम कितने हो सकते हैं फ्री हो सकते हैं और बाउंड हो सकते हैं मारफीम क्या होते हैं शब्द के भाग होते हैं एक शब्द के कितने भाग हो सकते हैं फ्री मारफीम के रूप में हो सकते हैं और बाउंड मारफीम के रूप में हो सकते हैं क्लियर है बच्चों ये सबसे पहली आपकी यूनिट है ग्रामर की जिसे मारफीम के नाम से जानते हैं मारफीम कितने भाग में हो गए दो एक फ्री मारफीम और एक बाउंड मारफीम ठीक है अगर आपको ग्रामर में बेहतर बनना होगा तो मेरे अनुभव का फायदा लेना होगा मेरे भरोसा करना होगा जो भी मैं पढ़ाऊं उस पर भरोसा करना होगा क्योंकि मैं बनाने की कोशिश करूंगा न कि केवल कुछ भी मैं डायरेक्ट आपको कुछ भी पढ़ा सकता था तो बच्चों लेकिन मैं बेस से पढ़ा रहा हूं क्यों क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आप बन जाए एक बार आप इंग्लिश का इंडिविजुअल बैच अच्छे से कर लेंगे तो कहीं भी कुछ भी समझना आपके लिए आसान होगा और अगर आप भाग के करना चाहेंगे कि सर ये पढ़ा दीजिए ये पढ़ा दीजिए तो आप हमेशा परेशान रहें तो सबसे पहला हमारा मारफीम कौन सा है बच्चों फ्री मारफीम बिल्कुल आसान है बच्चों फ्री मारफीम का मतलब क्या कि कोई भी ऐसा मारफीम जो खुद के बल पे चल सकता हो यानी कोई भी ऐसा मारफीम जो खुद के बल पर वर्ड बना सकता हो वो क्या होगा फ्री मार्फीम होगा जैसे आपने कोई वर्ड लिया बच्चों आपने लिया लिव लिया ना लिव ये कौन सा मार्फीम होगा ये फ्री मार है कौन सा मार्फीम फ्री मार्फीम है क्यों क्योंकि यह एक मार्फीम भी है और एक वर्ड भी है यानी खुद ये एक वर्ड का क्या कर रहा है निर्माण कर रहा है अगर आपने लिया टी पॉट क्या लिया आपने टी पॉट इसमें दो मारफेम्स आपके हो जाएंगे कौन कौन से एक टी हो जाएगा और एक पॉट हो जाएगा लेकिन आप सोचें कि ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं ना ये टी अलग मारफीम हो सकता है और पॉट अलग मारफीम हो सकता है लेकिन दो अलग अलग मारफेम्स ने क्या किया एक शब्द का टी पॉट का क्या कर दिया निर्माण कर दिया और एक एग्जाम्पल देख लें बर्थडे है ना ये भी आपके दो फ्री मार्फिम्स आपने जोड़े कौन कौन से बर्थ और डे यानी दो अलग अलग मार्फिम्स ने मिलकर के फ्री मार्फिम्स ने मिलकर के क्या बना दिया एक वर्ड का निर्माण कर दिया कोई भी पूछेगा बता लेंगे आप एक मार्फिम क्या होता है तो क्या बताएंगे शब्द के जितने भी भाग होते हैं एक शब्द के वो क्या है मारफीम है अगर एक शब्द में एक ही भाग है तो वो दोनों हो जाए वो एक मारफीम भी होगा और एक वर्ड भी होगा लेकिन अगर उस शब्द के दो तीन चार जितने भी भाग हैं उनमें से वो उतने क्या है से हैं और कौन से मारफीम्स हैं फ्री मारफीम्स हैं ये फ्री मारफीम क्या होता है एक ऐसा मारफीम जो खुद के बल पर अपना एक शब्द बना सकता हो वो क्या होगा फ्री मारफीम होगा देखिए अपने सब समझने की कोशिश करें बच्चों आप इसमें कुछ ऐसा करना होगा ये मिटे ये इसमें कुछ पानी और लगाना होगा देखें बच्चों अब आप आराम से पहचान लेंगे कोई आपसे कहे ये बॉय क्या है तो आप बता सकते हैं बच्चों ना बॉय एक मॉरफीन भी है और एक शब्द भी है वर्ड भी है बॉयहुड क्या है यह भी एक शब्द है लेकिन इसमें दो मॉर्फेम्स हैं कौन कौन से बॉय और हुड और देखें ग्रीन हाउस इसमें दो मॉर्फेम्स हैं लेकिन एक शब्द है कौन सा एक ग्रीन है और एक हाउस है समझ गए होंगे? फ्री मार्फिम मार्फिम क्या होता है अब हम समझते हैं बाउंड मार्फिम क्या होता है? देखें बच्चों बाउंड मार्फिम क्या होता है बाउंड मार्फिम आप जानते हैं बच्चों, जब भी आप किसी मूल शब्द के यानी एक जो मेन वर्ड है आपका उसमें किसी टेंस का परिवर्तन करते हैं किसी व्हाट डिग्री का परिवर्तन करते हैं डिग्री का परिवर्तन करते हैं उसे या सुपरलेटिव बनाते हैं आप किसी शब्द के उसके जेंडर में परिवर्तन करते हैं उसके नंबर में परिवर्तन करते हैं उसके केस में परिवर्तन करते हैं अगर आपके आंसर यह सब हम लोग कहां जानते हैं सब कुछ मिलेगा बच्चों धैर्य रखें आप ठीक है अभी मैं चारो पहले जो बेस है आपका वो जान लें फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ठीक है तो जब आपने लिखा ना वांट देखिए कितने अच्छे सब समझ सकते हैं बच्चों वांट एक शब्द है ना एक ही शब्द है ना तो फिर ये क्या है एक मार्फीम होगा और ये एक ही मार्फीम होगा तो कौन सा मार्फीम होगा बच्चों फ्री मार्फीम होगा समझ गए सारे बच्चे एक ही शब्द है और एक ही मार्फीम है तो कौन सा मार्फीम होगा फ्री मार्फीम होगा लेकिन ये देखें वांटेड ये आपका एक मारफीम था ना वांट Want में आपने क्या जोड़ दिया ईडी जोड़ दिया सेकेंड फॉर्म बना दिया टेंस बदल दिया तो ये जो ईडी है ना ये क्या हो जाएगा बाउंड मारफीम हो जाएगा कौन सा मारफीम बच्चों बाउंड समझ गए होंगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं शूट सूट एक ही मारफीम होगा ना अगर ये एक ही मारफीम है तो एक ही वर्ड है अगर एक ही वर्ड है तो कौन सा मारफीम कहलाएगा ये फ्री मारफीम कहलाएगा लेकिन ये देखें आप Suited, इसमें हमने क्या जोड़ दिया ईडी जोड़ दिया अब ईडी कौन सा मारफीम हो जाएगा बाउंड मारफीम हो जाएगा तो सूट कौन सा मारफीम था आपका फ्री मारफीम था यानी इसमें फ्री मारफीम सूट है इसमें आपने ईडी जोड़ करके एक बाउंड मारफीम बना दिया ठीक है एक शब्द में जो भी आप प्रिफिक्स जोड़ेंगे जो भी आप सफिक्स जोड़ेंगे वो क्या होता है मारफीम होता है ठीक है अगर आपके मन में आए सर प्रिफिक्स सफिक्स क्या होता है तो वो तो अभी भी मैं आपको स्टार्ट में बता सकता हूं आप जैसे कोई शब्द लिखते हैं ना लार्ज ध्यान से सुनिएगा बच्चों लार्ज है ना आपने इसके शुरू में क्या कर दिया ई एन जोड़ दिया अभी नया शब्द बन गया ना तो एन क्या है आपका एक प्रिफेक्श है ठीक है और देखें आपने लिया शब्द कोई हार्ड एच ए आर डी -e, हार्ड लिया आपने इसमें आपने ई दिया ये क्या है आपका एक सफिक्स है तो समझ सकते हैं ये आपके जो है प्रिफिक्सेज और सबिक्स ये भी किस में आते हैं मारफीम में ही आते हैं लेकिन कौन से मारफीम में आएंगे ये बाउंड मार्फीम में अगर आपको कहीं लग रहा हो कि चीजें घालमेल हो रही हैं बच्चों फिर से देखते हैं आपको इतना याद हो गया होगा कि हमारे पास पांच ग्रामेटिकल यूनिट्स होती हैं कौन कौन सी पांच ग्रामेटिकल यूनिट्स बच्चों पहली मारफीम हो गई याद हो गया दूसरी वर्ड हो गई याद हो गया तीसरी फ्रेज हो गई याद हो गया चौथी क्लास हो गई याद हो गया और पांचवी सेंटेंस हो गई ये हमारे पास पांच ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं इनमें से कौन सी यूनिट हम पढ़ रहे हैं अभी पहली यूनिट मॉर्फिम की अगर हम मॉर्फिम की यूनिट पढ़ रहे हैं तो मॉर्फिम कितने हमारे पास हैं केवल दो कौन कौन सी दो एक फ्री मॉर्फिम और एक बाउंड मॉर्फिम क्लियर है ये फ्री मॉर्फिम क्या है कोई भी ऐसा शब्द जो अपने बल पर चल सकता हो अपने बल पर शब्द का निर्माण कर सकता हो वो कौन सा मॉरफीम है फ्री मॉर है ठीक है जैसे आपने कोई भी शब्द ले लिया आपने कहा हैपी. ये क्या है एक फ्री है और यही एक वर्ड भी आपका है आपने कहा चलिए लिख लेते हैं बॉय ये क्या है एक फ्री और है और यह एक आपका शब्द भी है लेकिन बाउंड मार क्या होता है किसी शब्द के शुरू में या उसके अंत में जो हम प्रेफिक्स या सफिक्स लगाते हैं वही हमारा क्या होता है बाउंड मारफीम होता है कर लेंगे बच्चों किसी को दिक्कत किसी बच्चे को बोल दे बच्चों किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही हो इस पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं क्या या कमेंट्स आ ही नहीं रहे उस पे नहीं दिखेगा हमको कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को नहीं इतना समझ गए होंगे बच्चों आप एक नई चीज आपने जानी हुई बच्चों ग्रामर के लिहाज से फिर से मैं आपको आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा हूं क्या कोई पूछे आपको ग्रामेटिकल यूनिट्स क्या होती हैं तो क्या बताएंगे वो यूनिट्स जो ग्रामर का निर्माण करती हैं एक सेंटेंस का निर्माण करती हैं वो यूनिट्स क्या हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं कोई पूछे ग्रामेटिकल यूनिट्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं तो हम क्या बता सकते हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स को हम पांच भागों में बांट सकते हैं कौन कौन सी पहली यूनिट कौन सी हो जाएगी हमारी मोरफीम हो जाएगी दूसरी यूनिट कौन सी हो जाएगी हमारी वर्ड हो जाएगी तीसरी यूनिट कौन सी हो जाएगी हमारी फ्रेज हो जाएगी चौथी यूनिट कौन सी हो जाएगी हमारी कुलाज हो जाएगी और पांचवी यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी हमारी सेंटेंस हो जाएगी क्लियर है बच्चों फिर कोई वो एक मॉरफीम होता है कोई पूछे तो मॉरफीम कितने भागों में बांटी जा सकती है तो हम बता सकते हैं दो भाग कौन कौन से भाग एक फ्री मारफीम और एक बाउंड मारफीम कोई पूछे फ्री मॉर्फिम क्या होती है तो क्या बताएंगे हम एक ऐसा शब्द जो अपने दम पर अपने बल पर एक वर्ड का निर्माण कर सकता है यानी कोई भी ऐसा मारफीम जो अपने बल पर एक शब्द का वर्ड का निर्माण कर सकता है वो कौन सा मारफीम है वो फ्री मारफीम है तो कोई पूछे बाउंड मारफीम क्या होता है तो आप कहें एक ऐसा शब्द जिसके पहले या उसके बाद जो कुछ जुड़ता है वो क्या होता है बाउंड मार्फीम होता है ठीक बच्चों अब आप अपने से पहचान के दिखाएं और मुझे बताएं कि क्या फ्री मार्फिम और बाउंड मार्फिम पहचान ले रहे हैं या फिर नहीं देखें बच्चों सभी बच्चे तब तक, तक शेयर कर दें बच्चों वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो भी बच्चे बेसिक्स टू कंपटीशन अच्छी तैयारी करना चाहते हो वो बच्चे जरूर ये वीडियो शेयर करें और विश्वास करें बच्चों आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा लेकिन एक लाइन हमेशा मेरी याद रखेगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे अगर आप चाहेंगे बच्चों ना कोई इतना बड़ा कार्य जब आप पूरा ग्रामर तैयार कर रहे हो वर्ड पावर तैयार कर रहे हो और एक दिन में आप सब कुछ पा लेंगे संभव नहीं बस भरोसा रखें बिलीव मी आई विल नेवर लेट योर बिलीव ब्रेक यानी मैं कभी भी आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा बट फर्स्ट यू विल हैव टू बिलीव इन मी पहले आपको मेरे में विश्वास करना होगा ये बड़ी प्रॉब्लम है यार देखें अब आप मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूं ठीक है आप उन वर्ड्स को बता दें हमको कि वो फ्री मार्फिम में आएंगे या बाउंड मार्फिम में लाफ ये कौन से मार्फिम में आएगा लाफ्ड ये कौन से मारफीम में आएगा गर्ल ये कौन से मॉर्फिम में आएगा वांटेड ये कौन से मॉर्फिम में आएगा जल्दी से बता दें बच्चों क्या हुआ बोले बच्चों बिल्कुल जवाब आने लगे हैं बच्चों के फ्री मॉर्फिम फ्री मॉर्फिम सभी बच्चे समझ रहे हैं हाँ, जब भी संजय बहुत बढ़िया संजय जब भी हम किसी शब्द में कोई प्रिफिक्स जोड़ेंगे यानी मूल शब्द के पहले कुछ जोड़ेंगे और उसके बाद में कुछ जोड़ेंगे तो वो मारफीम क्या हो जाएगा बाउंड मारफीम हो जाएगा और जिसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा होगा जो मूल शब्द से बना होगा वो हमारा फ्री मारफीम हो जाएगा बहुत बढ़िया बच्चों ऐसा आप रिस्पांस देंगे तो आपको भी आएगा और जहां भी आपको लगे ना कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं रेगुलर कमेंट्स नहीं देख सकता बच्चों ठीक है तो अगर आपको लगे मैं पढ़ा रहा हूं और आप नहीं समझ पा रहे आप बेहिचक यहां कमेंट करके बताइएगा या फिर आप जैसे भी बाद में कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये सेक्शन आपको समझ में नहीं आया मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और अगले दिन जब भी मैं पढ़ाऊंगा मैं कोशिश करूंगा जो मैंने पिछले दिन पढ़ाया हो मैं उसे रिपीट कर दूं ताकि जो बच्चे भूल गए उन्हें याद आ जाए और जिन बच्चों का छूट गया हो उन्हें एक रिमाइंडर मिल जाए ठीक है बहुत बढ़िया बच्चों

बाउंड मारफीम नहीं है इसमें जो लाफ है ना केवल लॉफ ये क्या है आपका ये फ्री मारफीम है जो केवल लाफ अगर आप लेंगे तो यह फ्री मारफीम है इसके बाद जो आपने ईडी जोड़ा है उसने उसे क्या बना दिया बाउंड ये जो वांट है आपका ये क्या है आपका ये फ्री मारफीम है इसमें जो ईडी आपने जोड़ा है ये क्या बन गया आपका बाउंड मारफीम बन गया क्लियर है एक दो वर्ड्स और देख लेते हैं बच्चों जॉय ये बता दें और एंजॉय बता दें दोनों बता दें क्या है आपका <coughs> बिल्कुल एंजॉय क्या होगा और जॉय क्या होगा बिल्कुल अभिषेक का जवाब है एक बाउंड मॉर्फिम है और एक फ्री मॉर्फिम गुड फ्री देखिए दिया फ्री हो जाएगा और एंजॉय जो है वो बाउंड मॉर्फिम हो जाएगा क्लियर है बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों ने 70 टू 80 परसेंट बच्चों ने पहली बार बच्चों पहली बार आपने मॉरफीम को समझा होगा अगर फिर भी नहीं समझे हो तो मैं तीसरी बार आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं देखें हमारे पास बच्चों कुल पांच ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं उनमें सबसे छोटी यूनिट क्या है मोरफीम मॉरफीम से बड़ी यूनिट क्या है वर्ड वर्ड से बड़ी यूनिट क्या है फ्रेज फ्रेज से बड़ी यूनिट क्या है क्लास और सबसे बड़ी यूनिट क्या है सेंटेंस संजोक से हम लोग पांच भाई हैं वी आर फाइव ब्रदर्स हम पांच भाई हैं जो सबसे छोटा भाई है वो क्या है मोरफीम है उसके बाद मैं हूं तो मैं क्या हूं वर्ड हूं मैं मेरे से बड़े जो मनोज भैया हैं वो क्या हैं फ्रेज हैं उनसे बड़े जो प्रमोद भैया वो क्या हैं क्लाज हैं और विनोद भैया मेरे जो सबसे बड़े हैं वो क्या हैं एक सेंटेंस है ठीक है ऐसे पांच यूनिट मिलकर के हम एक परिवार का निर्माण करते हैं वैसे ही पांचों यूनिट मिलकर के एक सेंटेंस का ग्रामर का क्या करते हैं बच्चों निर्माण करते हैं क्लियर है अब इसके बाद एक सेक्शन हमने केवल आज पढ़ा इनमें से एक यूनिट कौन सी यूनिट मोरफीन सबसे पहले कोई पूछे मार्फिम क्या होता है तो हम कह सकते हैं द पार्ट्स ऑफ वर्ड द पार्ट्स ऑफ अ वर्ड आर कॉल्ड मॉर्फिम्स यानी एक शब्द के जो हिस्से होते हैं वही क्या है मॉर्फिम है फिर कोई पूछे मॉर्फिम कितने प्रकार का हो सकता है तो हम क्या कहें देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ मॉर्फिम एक मॉर्फिम के दो भाग होते हैं बच्चों कौन-कौन से भाग एक फ्री मॉर्फिम और एक बाउंड मॉर्फिम फ्री मॉर्फिम क्या होता है वो जो अपने दम पे किसी शब्द का निर्माण कर सकता है देखें इस ज्वाय ने क्या किया अपने दम पे शब्द बनाया हुआ है पूरा शब्द है आपका ये क्या हो जाएगा फ्री मॉरफीम लेकिन इसमें देखें दो शब्द हैं ज्वाय में मैंने क्या जोड़ा ई ई एन एन ने क्या किया उसके अर्थ में परिवर्तन किया तो ई एन यहां क्या हो जाएगा एक बाउंड मॉरफीम हो जाएगा और केवल अगर ज्वाय लेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक फ्री मॉरफीम हो जाएगा सभी बच्चों को क्लियर है ना पहला सेक्शन आपका मॉरफेम का आशीष सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून जो बच्चे बाद में जुड़े हैं बच्चों सभी बच्चे शेयर करते जाएं बच्चों आपका भी फर्ज होगा बच्चों आज आप अपने पिता तुल्य टीचर को सपोर्ट करेंगे ना तो कल ईश्वर आपको भी क्या करेगा सपोर्ट करेगा जब आप दूसरों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं तभी ईश्वर आपको सफल करता है बच्चों तो आपका टीचर अगर आपके लिए मेहनत करता है तो आप भी उसके लिए मेहनत करें और आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है आपको बस शेयर करना है बच्चों शेयर कर दें आपका काम हो जाएगा लाइक कर दें आपका काम हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा जब आप इसे सीख लें समझ लें और दूसरे बच्चों से बताएं यहां संतोष सर बेहतर इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश वो समझा सकते हैं ठीक बच्चों बाउंड और फ्री मार्फिम समझ लिया आपने आगे बढ़ते हैं दूसरा सेक्शन और यहां से हमारा रियल ग्रामर शुरू होगा बच्चों ध्यान रखिएगा रियल ग्रामर शुरू होगा जो भी बच्चा छोटा छाटा हो कहीं से भी भूला भटका हो वो अभी से भी ज्वाइन कर लेगा तो भी उसका ग्रामर अच्छा हो सकता है ठीक है देखिए बच्चों दूसरा हमारा जो ग्रामेटिकल यूनिट है वो क्या है वर्ड ना शब्द ये हमारा दूसरा ग्रामेटिकल यूनिट है और यहां से इंपॉर्टेंट है बच्चों आप पूरा ध्यान लगा के कमेंट्स पर कम ध्यान दीजिए और वर्ड पे यानी यहां पर ग्रामर पे अपना ज्यादा ध्यान दीजिए वर्ड को हिंदी में आप समझते होंगे बच्चों शब्द ये कहते हैं ना शब्द लेकिन आप जानते होंगे वर्ड मीन्स एक और चीज होता है याद है ना आपको वचन जानते हैं ना कुछ बच्चे आपने जानते होंगे जिन्होंने नाउन पढ़ा होगा जानते होंगे कि वर्ड मीन्स शब्द भी होता है और वर्ड मीन्स वचन भी होता है जिस वर्ड में शब्द होता है उस वर्ड को हम प्लूरल बना सकते हैं उसे बहुवचन में बदल सकते हैं लेकिन जिस वर्ड में वचन होता है उसको कभी प्लूरल नहीं बना सकते एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी शुरू करते हैं अपना शब्द बच्चों वर्ड कभी भी कुछ भी आप लिखेंगे बच्चों इस जिंदगी में इंग्लिश में कुछ भी आप लिखेंगे या हिंदी में भी मान लेते हैं ना कुछ भी आप लिखेंगे दैट विल सर्टेनली बी अ वर्ड वो हर हाल में क्या होगा एक शब्द होगा जैसे एक छोटी सी इकाई से बच्चों एक अणु परमाणु जो होते हैं इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं वैसे ही एक छोटा सा शब्द जो होता है पूरे भाषा का निर्माण करता है अगर एक वर्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं बच्चों कुछ भी नहीं क्यों क्योंकि शब्द ही जो होगा वो फ्रेज बनाएगा फ्रेज ही जो होगा वो क्लास बनाएगी वो क्लाज ही जो होगा वो सेंटेंस बनाएगा और वो सेंटेंस ही जो होगा वो अपने में टेंस लेगा अपने में मॉडल्स लेगा यानी सबसे शुरुआत कहां से हमारी होगी इसी वर्ड इसी शब्द से होगी ठीक है चलिए बच्चों मैं आपको बता दूं बच्चों जो बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये जो व्यवस्था आपकी है ये सब टेम्प्रोरी व्यवस्था है बच्चों ठीक है नहीं, नहीं तो एक्चुअली मैं दूसरे बोर्ड पे पढ़ाता हूं जो बच्चे मेरी कोचिंग में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मैं सामने दूसरे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ये हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए किया है तो अभी ये कुछ एक दिन है बच्चों आप थोड़ा सा अगर जहां पे कमियां हो जरूर हमें बताएं बट हमेशा याद रखें तीन लोगों की तरफ कभी भी उंगली नहीं उठाई जाती है माता पिता की तरफ और अपने टीचर की तरफ इनमें कमियां निकालने के बजाय इन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं सुझाव दे सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज बेहतर रहेगा जैसे एक बच्चे हिमांशु ने अभी और सुझाव दिया कि सर इस बैच के लिए आप टेलीग्राम का एक अलग से चैनल बना लें ताकि वहां पर केवल वही बच्चे आपका मेटेरियल सारा पी जो मिलता है वो वही बच्चे पाएँ जो इस बैच को ज्वाइन किए हैं तो आप सुझाव दें बच्चों मेरे में अपने माता पिता में कमियाँ निकालने के बजाय आप बताएं कि सर यहाँ पे आपकी गलती है सर यहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं बिल्कुल मैं सुधार करूंगा बच्चों क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण है जो कंप्लीट है जो परफेक्ट है मेरे अंदर भी कमियां हो सकती हैं सबके अंदर है बच्चों बस उन्हें उंगली दिखाने के बजाय अपनी इंप्रूव कराने की कोशिश करें कि सर बोर्ड साफ नहीं दिखता सर बताएं हम लोग धीरे धीरे हर चीज बेहतर करने की कोशिश करेंगे और एक दिन बेस्ट भी बन सकते हैं आपका सपोर्ट रहेगा दो बच्चों ठीक है शुरू करते हैं अपना वर्ड और यहां से देखिएगा जो आपको शीट दी जाएगी बच्चों जैसे कल मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया था तो आप देखिएगा टेलीग्राम के चैनल पे मैंने पूरे उसकी शीट पीडीएफ की बना के डाली हुई है ठीक है ऐसे जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वर्ड फ्रेज क्लास जितना भी बच्चों पढ़ेंगे इस सब का आपको पीडीएफ प्रदान किया जाएगा ये जो दो तीन दिन आपके हैं ये आपके डेमो चल रहे हैं फिर आपको सुपर सिक्सटी का एक ऐप आपको इंस्टॉल करवा लिया जाएगा उस ऐप पे ही मेरे लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे ठीक है जिन बच्चों की फीस की प्रॉब्लम है मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में नंबर दिया है सचिन का उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं पूछ सकते हैं यदि आपको दिक्कत आ रही हो फीस जमा करने में तो आपको उस नंबर कॉल कर लेना है मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे ये नंबर देखिए है मेरा नंबर है बच्चों ये नंबर मेरा है इस पर अगर आप यूपीआई कर सकते हैं गूगल पे कर सकते हैं या फिर फोन पे कर सकते हैं तो आप इस पर क्या कर, कर लीजिए आप इस पर सीधे वो फीस जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने अपना अकाउंट नंबर भी दिया है आप वहां पे भी भेज सकते हैं अपना स्क्रीनशॉट ले लें जरूर स्क्रीनशॉट रखिएगा क्योंकि वो आपका प्रमाण होगा कि आपने फीस डिपॉजिट की ठीक है तो इस तरह भी भेज सकते हैं अगर इसके बावजूद आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे सचिन आपको मिलेंगे इस पर कॉल करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं ठीक है आराम से आप बता सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों ताकि याद रहे आपको देखें अब मन लगा के शुरू करिए एक वर्ड क्या होता है बच्चों क्योंकि आप किसी चीज की जड़ जो है उसी को बनाने जा रहे हैं और आप जानते होंगे किसी मकान की नींव यानी उसकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होती है उतना ही स्ट्रांग मकान होगा लेकिन अगर उसकी फाउंडेशन वीक रही बच्चों तो फिर मकान भी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा इसलिए यहां से मेहनत करिएगा तो सबसे पहले वर्ड हिंदी में हम जान गए ना क्या होता है शब्द तो कोई आप, आपसे पूछे कि एक शब्द क्या होता है वर्ड क्या होता है तो आप हाँ बहुत आसानी से बता सकते हैं बच्चों कि एक मॉर्फिम या एक से अधिक मॉर्फिम्स के द्वारा हम किसे शब्द का निर्माण करते हैं और किसी से भी अलग परिभाषा होगी आप सोच के देखें आप एक मॉर्फीम या एक से अधिक मॉर्फीम्स के द्वारा आप एक शब्द का वर्ड का क्या करते हैं निर्माण करते हैं लेकिन एक वर्ड को बच्चों हम दो आधार पर पढ़ते हैं दोनों में आपके साथ डिटेल्ड में आपको पढ़ाऊंगा और वो बच्चे जो मेरे से पहले पढ़े होंगे उनके लिए भी ये फ्रेश चीज होगी देखें एक जो वर्ड है आपका ना ये वर्ड ये दो लेवल पे पढ़ी है एक लेवल ट्रेडिशनल लेवल है बच्चों और एक लेवल जो मॉडर्न है मैं दोनों तरीके से ट्रेडिशनल लेवल पे भी हम जाने और जो मॉडर्न है या फिर कहिए ये लेवल बच्चों सिंटेक्स के लेवल पे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आप सिंटेक्स कम समझते हैं तो आप ये समझ लें के लेवल पे पढ़ाऊंगा आप इस बहुत सारे बच्चे अभी होंगे ऐसे जो जानते नहीं एक शब्द क्या होता है एक शब्द कितने प्रकार का होता है एक शब्द का हम कैसे निर्माण कर सकते हैं बच्चों एक शब्द का हम कैसे निर्माण कर सकते हैं अभी आपने ज्यादातर बच्चे नहीं जानते आप ये भी नहीं जानते हैं एक शब्द को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह नाउन है या वह प्रोनाउन है या वो एडजेक्टिव है या वो वर्ब है या फिर वो एडवर्ब है या फिर वो प्रंजंक्शन है या या फिर वो है, या वो कंजंक्शन है है की आर्टिकल अभी आप में से ज्यादातर बच्चे नहीं जानते जानते होंगे अगर आपको लगे करी सर हम जानते तो हैं आप हमें कमजोर समझते हैं क्या तो मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं बच्चों ठीक है जो बच्चे आप में पहली बार हमको ज्वाइन किए होंगे वो बच्चे जरूर जवाब देंगे कि ये वर्ड क्या है उन्हें बस बताना होगा ये नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है क्या है बस आपको इतना बताना है ये वर्ड है आपके सामने एडमोनिश ठीक है आप बस में बता दीजिए यह आपका क्या है यह एक नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है एडवर्ब है प्रिपोजिशन है या कंजंक्शन है या कुछ और है बता दें क्या है इससे हमें आपका लेवल पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं प्रतीक्षा सब कुछ व्हाट्सएप पे शेयर किया गया है वहां भी आप देख सकते हैं आगे भी शेयर कर दिया जाएगा ठीक है जो फीस के बारे में बच्चे पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया जाएगा और यहां पर भी आपको जो नंबर दिया है मैंने उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं चलिए जवाब आने लगा है बच्चों का बिल्कुल संजय दे दिया जाएगा नाउन है कोई कह रहा है एडजेक्टिव है कोई कह रहा है कुछ है हाँ जानकी अच्छा जानकी जवाब दे रहे हैं थैंक यू जानकी बच्चे जवाब दे रहे हैं जहां बच्चे नाउन एडजेक्टिव और इस तरीके से जवाब दे रहे हैं राजू जवाब दे रहे हैं अलग ही है बोले बच्चों जवाब दे अगर आपको लगता है कि किसी शब्द को देख करके आप बता सकते हैं कि वो शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है तो आप बताएं एडमोनिश क्या होगा शब्बीर अभिषेक और प्रदीप राजू के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आगे सारे बच्चे वर्ग पे आ गए पे आ गए सारे बच्चे जबकि बहुत सारे बच्चे आप में अभी बच्चों क्लियर नहीं होंगे कि कैसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया था कि किसी भी शब्द के अंत में बच्चों किसी भी शब्द के अंत में अगर कहीं पर आई एस एच होता है किसी शब्द के अंत में अगर आई एस एच होता है तो वो एक एडजेक्टिव होता है हमें यही पढ़ाया गया था लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है ये क्या है एक ये क्या है बच्चों ये एक वर्ब है ये हम कहां सीखेंगे इसी में जब हम पढ़ेंगे एक शब्द के बारे में उसके दो लेवल्स के बारे में एक ट्रेडिशनल जो हमको पढ़ना चाहिए पढ़ते आए हैं और एक ये अप्रोच कि एक वर्ड को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू पहचानना सीखें लेकिन इसके लिए जरूरत क्या होगी बच्चों पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं अभी गए फिर कुछ देर बाद आएंगे फिर गए फिर आएंगे ऐसे ग्रामर नहीं पढ़िएगा सक्सेस नीड्स योर कंसेंट्रेशन योर इमेजिनेशन योर डिवोशन योर डेडिकेशन ऑल योर ऑनेस्टी इन योर वर्क यानी अगर आपको सफल होना है बच्चों सारी चीजें आपको शो करनी होंगी आपको रेगुलरिटी शो करनी होगी पंक्चुअलिटी शो करनी होगी तब सफल होंगे आप जानिए आपका दो बजे का बैच होता है लेकिन उसके बहुत पहले हम लोग तैयारी करते हैं कि आपको पढ़ाना है आपको पढ़ाना है वैसे ही आपके अंदर भी होना चाहिए कि आपको पढ़ना है आपको पढ़ना है क्योंकि कोई आपको बनाने की कोशिश कर रहा है तो आपको भी अपने लिए बनने की कोशिश करनी होगी बच्चों ठीक है शुरू करें आपसे वर्ड अपना अच्छे लेवल पे समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन आप अच्छी चीज जानेंगे वो चीज जो कम लोग जानते हैं बच्चों मैंने पहले भी कह दिया है बच्चों ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं ना इसकी आपको पीडीएफ की फाइल भी दी जाएगी ठीक है शीट भी दी जाएगी जैसे आज की वीडियो आपकी बन जाएगी तो इसमें आपको जो ऑफ स्पीच का सेक्शन होगा वर्ड के लेवल पे वो आपको क्या कर दिया जाएगा अपलोड कर दिया जाएगा जहां तक तो मैं पढ़ाए रहूंगा जहां तक वो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा आप आराम से टेलीग्राम के चैनल पर जाकर वहां से भी आप क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और ये बेहतर चीज़ बच्चों बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सब नहीं करते अभी मैं रख दे रहा हूं कमेंट्स आपके अब हम यहां मेहनत करते हैं सबसे पहले बच्चों जाने, ये जो वर्ड है ये ट्रेडिशनल लेवल पर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास चार प्रकार के वर्ड्स होते हैं पहला बच्चे जानते होंगे जो पढ़े होंगे एक प्राइमरी वर्ड होता है एक कंपाउंड वर्ड होता है एक प्राइमरी डेरिवेटिव होता है अगर उधर ना दिख रहा होगा डेरिवेटिव मैंने लिखा हुआ है और एक आपका सेकेंडरी डेरिवेटिव होता है आप बहुत सारे बच्चे नहीं जानते रहे होंगे कि एक शब्द के भी क्या होते हैं प्रकार होते हैं बच्चों शब्द के भी क्या होते हैं प्रकार होते हैं एक वर्ड प्राइमरी वर्ड हो सकता है एक वर्ड कंपाउंड वर्ड हो सकता है एक वर्ड प्राइमरी डेरिवेटिव हो सकता है और एक वर्ड सेकेंडरी डेरिवेटिव हो सकता है अब आपने दो चीज जान लिया ना आज में क्या कि एक शब्द क्या है तो आप बता सकते हैं ना एक शब्द अलग अलग एक या एक से अधिक मॉरफीन्स से एक शब्द का निर्माण होता है क्लियर है फिर आप बता सकते हैं एक शब्द को हम कितने आधारों पढ़ सकते हैं दो आधारों पर एक ट्रेडिशनल लेवल पे और एक मॉडर्न या पार्ट्स ऑफ स्पीच या सिंटैक्स के लेवल पे पढ़ सकते हैं और अभी हमने क्या जान लिया एक शब्द कितने प्रकार का होता है कितने बच्चे आप में जानते रहेंगे? जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े रहेंगे, रहेंगे प्राइमरी, प्राइमरी क्लियर है अब इसके आगे हमको बढ़ना होगा क्या बढ़ना होगा कि हम इन शब्दों को पहचाने और आप आज से कल के बीच बच्चों दो दिन दीजिए मेरे को आप आज से कल के बीच में ये सारी चीजें बताने में काबिल रहेंगे सक्षम रहेंगे जैसे अभी आपने से ज्यादातर बच्चे बता सकते हैं हमको बच्चे क्या कि ये अगर हम लिखते हैं किंग तो यह एक फ्री मार होगा या एक बाउंड मार होगा जल्दी से बता दें फिर से अपनी मेमोरी का यूज करें यह एक फ्री मार होगा यह एक बाउंड मार होगा क्या होगा बच्चों बता दें ये जो किंग लिखा मैंने यह एक फ्री मारफीम होगा या बाउंड मारफीम बोले बच्चों किंग क्या है बच्चों फ्री या बाउंड मारफीम जवाब आने लगा बच्चों के बहुत बढ़िया बिल्कुल सभी बच्चों को देखिए क्लियर हो गया है ना कि यह एक फ्री मारफीम है क्योंकि बाउंड मारफीम क्या होता है जब हम किसी मूल शब्द के यानी एक फ्री मारफीम के पहले या उसके बाद में हम कुछ जोड़ते हैं वो हमारा क्या होता है बाउंडमारीम होता है ठीक है और जो मूल शब्द होता है हमारा वो क्या होता है फ्रीम और है, क्लियर है ना वैसे ही आप आज से कल तक ये सारी चीजें भी आप बता सकेंगे कि एक प्राइमरी वर्ड क्या होता है एक कंपाउंड वर्ड क्या होता है एक प्राइमरी डेरिवेटिव क्या होता है और एक सेकेंडरी डेरिवेटिव क्या होता है और इसका पीडीएफ भी रहेगा आप नहीं भी लिख रहे होंगे नहीं भी कुछ कर पाएंगे तो पीडीएफ के द्वारा भी आप क्या कर लेंगे आप प्रिपेयर कर लेंगे ठीक है चलिए फिर मेहनत करते हैं और अब ये देखते हैं कि एक प्राइमरी वर्ड क्या होता है प्राइमरी वर्ड बच्चों प्राइमरी समझते हैं ना मूल शब्द प्राइमरी वर्ड मतलब मूल शब्द अर्थात एक ऐसा शब्द जिसमें न तो कोई प्रीफिक्स जुड़ा हो न ही कोई सफिक्स जुड़ा हो वो क्या हो जाएगा प्राइमरी वर्ड हो जाएगा सो so इजी एक ऐसा शब्द जिसमें न तो कोई प्रीफिक्स जुड़ा हो न ही कोई सफिक्स जुड़ा हो वो शब्द क्या कहलाएगा प्राइमरी वर्ड कहलाएगा सारे बच्चे समझ गए होंगे जैसे अभी आपने लिखा था ना बॉय सभी बच्चे बता सकते हैं देखिए आपके लिए कितना प्लस है बच्चों टीचर्स से आप बेहतर हो सकते हैं विश्वास करें बच्चों ठीक है एक बॉय यहां क्या है एक फ्री मॉर्फिम भी है ना बच्चों एक बॉय एक फ्री मॉर्फिम भी है और यही बॉय आपका क्या है एक प्राइमरी वर्ड भी है क्यों क्योंकि इस बॉय से पहले न तो कोई प्रिफिक्स है और न इस बॉय के बाद कोई सफिक्स यानी एक जो प्राइमरी वर्ड होता है वही वास्तव में क्या होता है एक फ्री मारफीम होता है क्लियर है ना एक फ्री मॉरफीम ही क्या है एक प्राइमरी वर्ड होता है अब कोई भी प्राइमरी वर्ड दुनिया में आप बच्चों समझ सकते हैं कुछ भी देखें कैसे आपने लिखा नाइट ये क्या हो जाएगा एक प्राइमरी वर्ड है इसके शुरू में भी कुछ नहीं इसके बाद में भी कुछ नहीं है डे इसके पहले भी कुछ नहीं है इसके बाद भी कुछ नहीं है प्राइमरी वर्ड है सन इसके पहले भी कुछ नहीं इसके बाद भी कुछ नहीं ये क्या है प्राइमरी वर्ड है सारे बच्चे समझ जाएंगे ना कि जब भी एक मूल शब्द हो जो अपने दम पर एक शब्द का निर्माण कर सकता होगा उसके पहले भी कुछ नहीं लगा होगा उसके बाद भी कुछ नहीं लगा होगा वो शब्द क्या हो जाएगा आपका एक प्राइमरी वर्ड हो जाएगा सभी बच्चों क्लियर प्राइमरी वर्ड क्या होता है एक मूल शब्द जिसके शुरू में न तो कोई प्रिफिक्स लगा हो न ही उसके बाद में कोई सफिक्स लगा हो वो क्या होता है एक प्राइमरी वर्ड होता है ये भी देख बच्चों एक कंपाउंड वर्ड क्या होता है बच्चों जिन बच्चों जिन ने भी साइंस पढ़ा होगा वो कंपाउंड समझते होंगे जब दो या दो से अधिक विलयनों को आप समान लेवल पे जोड़ते हैं तो वह कंपाउंड मिश्रण बनता है यही होता है ना वैसे ही बिल्कुल जब दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स को आप जोड़ते हैं तो एक कौन सा बनता है हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड बनता है क्या बताया बनता है बच्चों एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है बिल्कुल ईजी है बच्चों देखें अगर आपने यहां लिख दिया सोच के देखेगा आपने दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया है बर्थ और डे तो ये क्या कहलाएगा आपका कंपाउंड वर्ड कहलाएगा ये भी देख लें दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके आपने एक नया शब्द बनाया है पुलिस स्टेशन पुलिस अलग है स्टेशन अलग है लेकिन दोनों अलग जुड़ करके एक साथ मिलकर के एक नया शब्द बना दिया इन्होंने और देख लें फादर इन ला तीन शब्द आपने जोड़े हैं बच्चों फादर इन और ला और तीनों शब्द मिलकर के एक ऐसे शब्द का निर्माण कर रहे हैं जो आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे बच्चों आपके माता पिता से भी इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे कौन ये फादर इन ला जिन्हें आप ससुर जी कहते हैं अभी समय लगेगा आपको देखेगा तो फादर इन ला क्या हो जाएंगे एक कंपाउंड नाउन हो जाएंगे हो जाएंगे बच्चों क्यों क्योंकि तीनों शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं ससुर जी का निर्माण कर रहे हैं मीन्स फादर इन लॉ मींस एक नया शब्द बन रहा है कंपाउंड वर्ड बता सकते हैं आप दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स को जोड़ करके जब हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या बनता है बच्चों वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है बता लेंगे ना और जब एक मूल शब्द होता है जो खुद के दम पे एक वर्ड बनाता है वो शब्द कौन सा होता है प्राइमरी वर्ड होता है किसी बच्चे को दिक्कत बताएं हमको अगर न समझ में आया हो आपको बोले बच्चों कोई भी बच्चा यदि न समझ पाया हो अभिषेक हंसे नहीं अभी टाइम लगेगा दोनों अभिषेक को मैं कह रहा हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया बच्चों एक प्राइमरी वर्ड क्या होता है एक कंपाउंड वर्ड क्या होता है अरुण आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा घबराए नहीं बिल्कुल देखिए संजय ने कितना बढ़िया देखिए परिभाषा दिया वेन वी एड टू फ्री मॉर फेम्स दे बेकम वर्ड बिल्कुल सही संजय कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों को सारे बच्चे समझ गए कि एक मॉर्फीम क्या होता है और एक वर्ड को कितने लेवल पे हम पढ़ते हैं और उन वर्ड्स में एक प्राइमरी वर्ड क्या होता है और एक कंपाउंड वर्ड क्या होता है पहचान लेंगे बच्चों आप सभी बच्चे पहचान लेंगे ठीक है मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप आजमा लें खुद को कि आपका तैयार हुआ कि नहीं अगर आप लगे आप नहीं समझ पाए हैं कमेंट्स में बताइएगा मैं फिर से बता दूंगा आपको चलिए बताइएगा प्राइमरी वर्ड है या कंपाउंड वर्ड है बोले बच्चों ये कौन सा वर्ड होगा ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस कौन सा वर्ड होगा प्राइमरी या कंपाउंड हां बिल्कुल टारगेट हाउस वाइफ भी ऐसे ही होगा जैसे ग्रीन हाउस है मैंने भी संजोग से ग्रीन हाउस लिखा है आपने हाउस वाइफ लिखा है बाउंड मारफीम क्या नाम है सशिकांत। बाउंड मारफीम एक कंपाउंड वर्ड कैसे बन सकता है बाउंड मारफीम तो एक मूल शब्द के पहले या उसके बाद में केवल जुड़ता है वो खुद शब्द तो है नहीं बच्चों बिल्कुल सारे बच्चे समझ गए ना कि इसमें दो शब्द हमारे पास है ग्रीन और हाउस और ये दोनों प्राइमरी वर्ड्स हैं जब भी दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स जुड़ेंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे आपके एक कंपाउंड वर्ड हो जाएंगे ठीक है बच्चों चलिए ये भी बता दें आप स्लीप ये कौन सा वर्ड होगा प्राइमरी होगा या कंपाउंड होगा स्लीप कौन सा होगा प्राइमरी या कंपाउंड चलिए थैंक यू नीरज प्राइमरी सभी बच्चे समझ गए ना जैसे बच्चों माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें वो ने हर वो उन्हें हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, हैं।, को हैं? कोशिश करते हैं तरीका अलग अलग हो सकता है बच्चों लेकिन टीचर्स का मकसद एक ही होता है कि वो जिनको पढ़ा रहे हो उन्हें वो सारा ज्ञान दें जिनके द्वारा वो सफल हो सके और अपने परिवार अपने समाज को बेहतर बना सके ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर तीसरा वर्ड शायद आज ही हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं तीसरा पढ़ते हैं प्राइमरी डेरिवेटिव प्राइमरी डेरिवेटिव बच्चों जब मैं पढ़ाता नहीं था मैं जब मैं पढ़ता था तो मैं जानता नहीं था कि ये जो बॉन्ड है ये कैसा वर्ड है मैं ये भी नहीं जानता था कि ये जो रांग है ये कैसा वर्ड है मैं ये भी नहीं जानता था कि ये जो सांग है ये कैसा वर्ड है ते अभी मैं जानता हूं और मैं तब जानता हूं जब मैं पढ़ाने लगा ये आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हैं ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आप उसी समय जानेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे यानी आप चाहेंगे तो मेरे से भी क्या हो सकते हैं आप बेहतर हो सकते हैं यदि बस मेहनत करें कंटिन्यूटी बनाए रखें आप ठीक है चलिए देखते हैं प्राइमरी डेरिवेटिव क्या होता है पहले इन दो शब्दों को ध्यान से देखें बच्चों प्राइमरी डेरिवेटिव है ना दो शब्द आपके हैं आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे डेरिवेटिव किससे बना होगा डेराइव से बना होगा किससे बना होगा डिराइव डिराइव क्या होता है किसी चीज में से कोई चीज लेना निकालना उत्पन्न करना पैदा करना यही होता है ना इसी सामने डेरिवेशन पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में केमिस्ट्री वगैरह में तो प्राइमरी डेरिवेटिव यानी जब आप एक प्राइमरी वर्ड से किससे बच्चों प्राइमरी वर्ड से ही एक नए शब्द को डिराइव कर लेते हैं तो वही क्या होता है प्राइमरी डेरिवेटिव होता है हम समझे जब आप एक प्राइमरी वर्ड से यानी मूल शब्द से आप एक नए शब्द को डिराइव कर लेते हैं तो वही एक प्राइमरी डेरिवेटिव होता है ये कैसे हो जाएगा एक प्राइमरी वर्ड से कैसे कोई शब्द डिराइव किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है अभी आपने क्या लिखा था बच्चों बॉन्ड यही लिखा था ना वास्तव में ये शब्द किससे बना होगा सोच के देखें ये बना है बाइंड से बना है यानी बाइंड हमारा कौन सा वर्ड है प्राइमरी वर्ड इसी प्राइमरी वर्ड से एक नया वर्ड बन गया कौन सा बॉन्ड तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा प्राइमरी डेरिवेटिव हो जाएगा आपने किया क्या बस ये जो वावल है ना इस वावल में आपने क्या कर दिया परिवर्तन और आपको एक नया शब्द मिल गया आपको और देखें आप आपने ये शब्द लिया रिंग रिंग से क्या बना दिया आपने समझ जाएंगे बच्चों अब आप रॉन्ग ये क्या हो गया आपका ये जो रिंग है ये आपका प्राइमरी वर्ड है इसी प्राइमरी वर्ड से आपने एक नया वर्ड बना दिया रॉन्ग तो यह प्राइमरी वर्ड है ना इसी प्राइमरी वर्ड से डिराइव करके आपने बनाया तो क्या हो जाएगा प्राइमरी डेरिवेटिव हो जाएगा और देख लें आप सिंग से क्या बन जाएगा समझ आएंगे तो सिंग क्या है आपका प्राइमरी वर्ड तो सांग क्या हो जाएगा प्राइमरी डेरिवेटिव हो जाएगा सो इजी बच्चों कोई मुश्किल नहीं एक्चुअली ग्रामर बहुत आसान है बस कोई ऐसा पढ़ाने वाला हमको मिल जाए और हम पढ़ने वाले मिल जाए मेहनत करने वाले तो हर चीज क्या है

इस बैच में आपको ग्रामर भी मिलेगा वो कैब यानी वर्ड पावर भी मिलेगा इन पर एक्सरसाइज भी कराऊंगा मैं आपको सारी चीज जैसे एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं देखें देखें आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ठीक है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने दिया आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको दिया यानी पूरी पीडीएफ मैं आपको पूरा आज से कल के बीच में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा इसमें मैंने पूरा अपना जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों आपको समझाने के लिए कि नाउन क्या होता है एक प्रोनाउन क्या होता है उसे कैसे पहचाने अपनी भाषा में देख रहे होंगे हिंदी में लिख लिख कर इंग्लिश में लिख लिख करके मैंने विद एक्सरसाइज पूरा आपको समझाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये जाने बच्चों क्योंकि जब तक आप ग्रामर नहीं जानेंगे ना अनलेस एंड अनिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर जब तक आप ग्रामर नहीं समझेंगे आप उनके क्वेश्चन के एंसर्स भी नहीं दे सकते हैं क्यों क्योंकि आप शुरुआत नहीं आपके पास है फाउंडेशन नहीं बेस नहीं मैं बस वही आपकी बनाना चाहता हूं शुरू से अंत तक बन जाएंगे हर चीज आस्थान हो जाएगी ठीक है थीके? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और ये तीसरा जो हमारा सेक्शन था प्राइमरी वर्ड से प्राइमरी डेरिवेटिव बनाना समझ गए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं एक्चुअली आपके कोर्स में बच्चों प्राइमरी वर्ड भी बहुत कोई मायने नहीं रखता है कंपाउंड वर्ड भी जानने की चीज है प्राइमरी डेरिवेटिव बिल्कुल भी कोई बहुत मायने नहीं है लेकिन अभी जो आप पढ़ने जाएंगे अब चौथा जो आपका सेकेंडरी डेरिवेटिव है वो बहुत बहुत मायने रखता है अगर आप ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो सेकेंडरी डेरिवेटिव में आते हैं अगर आप नहीं जानेंगे ना तो आपकी कई सारी कमियां रहेंगी जो बच्चे फिर से मैं कहूंगा नए हो जिन्होंने पहली बार हमको ज्वाइन किया हो केवल वो आंसर देंगे ठीक है जिन्होंने हमको पहली बार ज्वाइन किया हो केवल वो हमको आंसर देंगे मैं एक शब्द लिख रहा हूं और पहचान के बता दें कि ये शब्द क्या है मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि जब आप कंपटीशन देंगे कोई तो जब तक आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझेंगे तब तक उसका अर्थ समझना उसके सनिम्स उसके एंटर ये सारी चीजें आप लिखा होंगी मुश्किल होंगी इसलिए वो जरूरी है कि आप किसी वर्ड को पहले पहचाने फिर उसके आगे फ्रेज फिर क्लाज फिर सेंटेंस फिर टेंस फिर मॉडल सब कुछ आपको क्रम से मिलता जाएगा ठीक है तो ये शब्द मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं आप जल्दी से बता दें मुझको ये क्या है जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उनके जवाब की कोई आवश्यकता नहीं जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे होंगे वो बताएंगे ये शब्द ये क्रिटिसाइज क्या है एक नाउन है प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है बोले बच्चों ये क्रिटिसाइज एक नाउन है एक प्रोनाउन है या एक एडजेक्टिव है जल्दी इसे बता दें थैंक यू प्रत्यक्षा थैंक यू मनीष बोले बच्चों ये क्रिटिसाइज क्या है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है नहीं दो क्या चीज नहीं दो इसलिए लिख लेंगे जवाब आने लगा है बच्चों का सबसे पहला जवाब है मनीष का नाउन कह है। रहे हैं गौरव करें एडजेक्टिव है आदर्श करें एडजेक्टिव है कुछ बच्चे कह रहे हैं वर्ब है कुछ एडजेक्टिव कुछ वर्ब प्यार है एडजेक्टिव है एड्जेक्टिव वर्ब मनीष फिर से करें सारी सर वर्ब है विनय करें एडजेक्टिव है बच्चों आपको नहीं आ रहा है ये आपकी कतई प्रॉब्लम नहीं आपको कतई इससे दुखी नहीं होना चाहिए लेकिन अगर पढ़ने के बाद भी नहीं आएगा ना तो फिर यह आपकी कमी होगी इसलिए मेरे पे भरोसा करके जो भी आप पढ़ रहे हैं तैयार करते जाइएगा कभी भी आपको दिक्कत हो कि नहीं समझ पाए तो ये वीडियो आपके पास रहेगी ना आप आराम से क्या कर सकते हैं इसको देख करके फिर से आप तैयार कर सकते हैं आप ठीक है देखिए बच्चों आगे जानेंगे आप किसी भी शब्द के अंत में अगर आई एस ई आता है या आई जेड ई आता है तो वो हमेशा हमेशा क्या होता है वो वर्ब होता है क्या होता है वर्ब ये हम कहा जानेंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी डेरिवेटिव सेकेंडरी डेरिवेटिव क्यों पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमने जान लिया है कि प्राइमरी वर्ड क्या होता है एक कंपाउंड वर्ड क्या होता है और एक प्राइमरी डेरिवेटिव क्या होता है क्या तीनों पार्ट्स बच्चों ने जान लिया ना प्राइमरी डेरिवेटिव कंपाउंड सॉरी प्राइमरी वर्ड कंपाउंड वर्ड और प्राइमरी डेरिवेटिव सारे बच्चों ने समझ लिया जल्दी से बता दें इंपॉर्टेंट सेगमेंट सेकेंडरी डेरिवेटिव अर्थात प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को पढ़ेंगे हम सभी बच्चों को तीनों पार्ट्स आ गए आपके प्राइमरी वर्ड कंपाउंड वर्ड और प्राइमरी डेरिवेटिव सभी बच्चों को आ गए नहीं टारगेट क्रैक यूपीएससी क्रिटिसिजम एडजेक्टिव नहीं होता है जब भी किसी शब्द के अंत में एम होता है तो क्रिटिसिज्म मतलब आईएसएम हमेशा नाउन का कार्य करता है और ये सब बच्चों इसी बैच में इसी बैच में आप सब जानेंगे जो कुछ भी ग्रामर में है विश्वास करें अगर आप मेहनत करेंगे सब कुछ आप जानेंगे मेरे अनुभव का एक्सपीरियंस का आप फायदा ले सकते हैं विजय करें प्राइमरी नहीं प्राइमरी विजय नहीं समझ पाया आप कोई भी शब्द लिखेंगे बच्चों आपने लिखा वी। ये मूल शब्द है आपका ना क्या क्या हो जाएगा प्राइमरी वर्ड हो जाएगा आपने लिखा क्लियर ये मूल शब्द है ना ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी वर्ड हो जाएगा आपने लिखा शो so. ये मूल शब्द है ना आपका इसके पहले कुछ नहीं इसके बाद कुछ नहीं है ये प्राइमरी वर्ड हो जाएगा हाँ सचिन बिल्कुल सचिन देखिए अच्छे हैं है तो क्रिटिकल मतलब जो होता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है आगे बच्चों अच्छी चीज आप जानेंगे बहुत बार आपको याद होगा आपके मन में लगता है किसी शब्द के अंत में एल वाई होता है तो एड वर्ब हो जाता है ये वो फलाना धमाका जो भी आपके मन में होता है मेरे साथ जुड़िए मेहनत करिए हर कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिए और ये मैं बहस नहीं रहा हूं बच्चों घमन नहीं प्रदर्शित कर रहा हूं इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं मैं पता है मुझे मैं बेहतर आपको बना सकता हूं चलिए क्लियर है विजय ठीक है विनय चलिए बढ़ते हैं आगे चलिए बच्चों लास्ट हमारा सेगमेंट क्या है सेकेंडरी डेरिवेटिव लेकिन आप इसे सेकेंडरी डेरिवेटिव से कम आप इसे इस नाम से ज्यादा जाने कि इसे हम इन नामों से जानते हैं बच्चों प्रेफिक्स तो और सफिक्स आप में से 90 परसेंट बच्चे जो हैं वो ये सुने होंगे प्रिफिक्स क्या होता है सफिक्स क्या होता है अगर आप इसे इंग्लिश में नहीं समझ सकते हैं तो आपने हिंदी में संस्कृत में जरूर पढ़ा होगा उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है याद है ना उपसर्ग जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है प्रत्यय अर्थात जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है तो वही इंग्लिश में भी है जो प्रिफिक्स है वो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है और किसी सफिक्स जो है वो किसी मूल शब्द प्राइमरी वर्ड के बाद में जुड़ता है क्लियर है बच्चों अब हम देखते हैं कि इनके डिटेल्ड हम कैसे तैयार करते हैं जो आपको किसी अन्य बच्चे से अलग बनाएगी पहली चीज दूसरी आप किसी भी शब्द को देख करके ना ज्यादातर शब्दों को देख करके आप बता सकते हैं कि वह नाउन है वह एडजेक्टिव है वह वर्ब है या फिर वो एडवर्ब है ठीक है ज्यादातर शब्दों को और अगर आप इस विधि से नहीं पहचान सकते हैं तो आपके पास और भी विधियां हैं बच्चों और भी तरीके हैं जो मैं बताऊंगा जिसको देख करके आप बता सकेंगे कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका ठीक है शुरू करते हैं अपना सेकेंडरी डेरिवेटिव प्रिफिक्स और सफिक्स ठीक है बच्चों सबसे पहले हम क्या देखें प्रिफिक्स प्रिफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों उपसर्ग ठीक है क्लियर है अब आप ये देखें अगर ये प्रिफिक्स उपसर्ग है तो प्रिफिक्स में खुद एक प्रिफिक्स है बच्चों प्रिफिक्स शब्द जो है इसमें खुद एक प्रिफिक्स है कैसे देखें आपका मूल शब्द क्या था फिक्स यही था ना फिक्स मीन जोड़ना ये मूल शब्द है और इसके आपने पहले क्या जोड़ दिया प्री तो ये प्री क्या हो जाएगा प्री खुद क्या है एक प्रीफिक्स है समझ रहे हैं कि नहीं आपका शब्द क्या था प्रीफिक्स इस प्रीफिक्स में मूल शब्द क्या है फिक्स जोड़ना और इस फिक्स के पहले आपने क्या कर दिया री जोड़ दिया तो प्री खुद क्या है एक प्रीफिक्स है क्यों क्योंकि जब भी किसी मूल शब्द के पहले आप कुछ जोड़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं अब प्रश्न एक प्रीफिक्स क्या होता है तो सिंपली बता दीजिए बच्चों when we add something बिगिनिंग ऑफ द प्राइमरी वर्ड जब हम किसी प्राइमरी वर्ड के बिगनिंग में उसके आरंभ में कुछ जोड़ते हैं तो वही हमारा क्या होता है होता। है। बिल्कुल इसी है ना जब भी हम किसी प्राइमरी जोड़ते हैं तो वही हमारा प्रेफेक्स होता है अब हम इतना समझ सकते हैं बच्चों कि प्रेफिक्स हम पहचान लेंगे कि नहीं देखें आपने कहा लार्ज सारे बच्चे जानते हैं लार्ज मीन्स बड़ा होता है और यह तो एक ही शब्द है ना आपका कौन सा शब्द हो जाएगा प्राइमरी वर्ड हो जाएगा या फ्रीम फ्री हो जाएगा याद तो हो जाए बच्चों लेकिन आपने इसी लार्ज में जोड़ दिया बच्चों एन लार्ज अभी क्या हो गया यह एन क्या हो गया एक प्रिफिक्स हो गया और देखें आपने लिखा ज्वाय आपने इसी ज्वाय में जोड़ दिया बच्चों क्या एन ज्वाय अब ये एन क्या हो गया प्रिफिक्स हो गया आपने वर्ड लिखा हेड हेड में जानते होंगे सर आपका होता है या मुखिया होता है इसी में आपने जोड़ दिया बी अब ये बी क्या हो गया प्रिफिक्स हो गया आपका हो गया ना और देखें मोशन ये आपका शब्द हो गया इसमें आपने जोड़ दिया डी डी क्या हो गया प्रिफिक्स हो गया इसी में आपने जोड़ दिया प्रो तो, प्रमोशन ये प्रो क्या हो गया आपका प्रिफिक्स हो गया बच्चों क्लियर है जब भी आप एक मूल शब्द के पहले किसके पहले बच्चों मूल शब्द के पहले आप किसी अन्य शब्द को जोड़ते हैं तो वह क्या होता है आपका प्रिफिक्स होता है सारे बच्चे समझ जाएंगे और शब्दों को द, देख लेते हैं हम देखें क्वाय सी ओ वाई क्वाय मीन क्या होता है बच्चों में शर्मिला होता है क्या होता है शर्मिला शब्द जोड़ दिया डी कॉय अभी डी क्या हो गया आपका हो गया हो गया ना और देख लें आपका शब्द है लिटिल इसमें आपने क्या जोड़ दिया बी बी लिटिल बी क्या हो गया आपका रिफिक्स हो गया क्लियर होंगे जब भी आप किसी मूल शब्द के पहले आप कुछ भी जोड़ते हैं बच्चों कुछ भी जोड़ते हैं वो क्या होता है आपका एक प्रीफिक्स होता है सारे बच्चे समझ रहे होंगे ना कोई बच्चा जो नहीं समझ पाया हो बिल्कुल संजय सही है प्री मींस पहले होता है प्री मींस पहले बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ट्रेंडिंग आसम सही है ऐड करना बिल्कुल गुड आफ्टरनून अभिषेक सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून और सभी बच्चों ने शेयर जरूर कर दिया होगा जिन बच्चों ने शेयर न किया हो बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दें लाइव क्लास को और जिन बच्चों ने अब तक लाइक न किया हो वो बच्चे लाइक जरूर कर लें बच्चों ठीक है आपको सेशन निश्चित ही अच्छा लग रहा होगा जिन बच्चों को शुरू से ग्रामर पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा वो बच्चे जरूर इस सेशन को लाइक करेंगे क्योंकि मैं आपको बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चों आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं कि एक ऐसा समय आए कि आज आप मेरे से पढ़ रहे हैं ईश्वर करे कल आप किसी को पढ़ाएं और, और बेहतर बनाने की कोशिश करें हाँ, बिल्कुल सचिन जो पहले ऐड होता है वो हमेशा क्या हो गया आपका हो सोचा देखिए विजय कह रहे समझ में आया बिल्कुल बहुत बढ़िया कोई प्रॉब्लम नहीं राधिका सही है क्लियर है बच्चों अब एक ऐसी चीज जहां ने जो शायद मेरे स्टूडेंट्स से बहुत ध्यान दिए होंगे बहुत सारे बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं होगा अगर आपने शुरू से किसी टीचर से पढ़ा भी होगा तो भी विश्वास करिए उन्होंने आपको नहीं बताया होगा क्या कि एक प्रीफिक्स का रोल क्या होता है बच्चों वट इज द मेन प्रिंसिपल रोल ऑफ अ प्रेफिक्स यानी एक प्रीफिक्स का मुख्य रोल मेन रोल क्या होता है तो आप जाने बच्चों याद कर लीजिएगा एक प्रफिक्स केवल दो कार्य करता है बच्चों कौन से कार्य करता है केवल दो कार्य करता है कौन से दो कार्य वो किसी शब्द को या तो वर्ब बना देगा या फिर उसका एंटनिम बना देगा फिर से से ध्यान सुने एक प्रिफिक्स केवल दो कार्य करता है कौन से दो कार्य वो किसी प्राइमरी वर्ड को या तो उसका एंटनिम बना देगा उल्टा कर देगा या फिर उसे वर्ब में तब्दील कर देगा बच्चों किसमें वर्ब में तब्दील कर देगा देखें कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये वर्ड देखें बच्चों ये लिटिल है ना लिटिल ये लिटिल एक प्राइमरी वर्ड था मूल शब्द आपने इसके पहले क्या जोड़ा बी अगर आप ध्यान से देखें लिटिल मीन्स छोटा होता है लेकिन बी लिटिल मीन्स छोटा कर देना किसी को अपमानित करना नजर से गिरा देना तो जब आप कोई कार्य करते हैं तो वो वर्ब हो जाता है तो बी लिटिल क्या हो गया वर्ब हो गया यानी इस बी ने क्या किया वर्ब बना दिया सही है और देखे हेड क्या होता है बच्चों सर होता है हमारा सर लेकिन बी जोड़ दिया आपने बी हेड हो मीन होता है सर कलम कर देना यानी काट देना तो ये क्या बन गया वर्ब बन गया आपका फिर आपका है एंजॉय ज्वाय ज्वाय क्या था आपका आनंद यही था ना आपने प्रिफिक्स जोड़ दिया एन अभी क्या बन गया आनंद लेना यानी वर्ब हो गई आपकी इस एन ने क्या कर दिया वर्ब बना दिया ये भी देखें आप लार्ज क्या था लार्ज मीनस बड़ा एन आपने जोड़ के कर दिया एन लार्ज बड़ा कर देना यानी वर्ब बना दिया आपने और देखें ये मोशन था चलिए ये, ये क्वाय क्या है आपका क्वाय एक वो था प्रलोभन देना लालच देना होता है वर्ब हो गया यानी मैंने जितने भी यहां पे प्रीफिक्सेस लिखे हैं इन सारे प्रीफिक्सेस ने वर्ब बनाया लेकिन ये देखें आप बिहेवियर बिहेवियर क्या है एक नाउन है ना व्यवहार लेकिन इसी बिहेवियर में आपने जोड़ दिया मिस अब ये अपोजिट हो गया क्या हो गया अपोजिट देख रहे मिसबिेवियर मींस दुर्व्यवहार होता है होता है ना बच्चों याद है ना और देखें लीगल लीगल क्या होता है कानूनी होता है ना लेकिन आपने एक प्रिफिक्स जोड़ दिया आई एल इीगल एंटनिम हो गया आपका गैर कानूनी हो गया आपका हो गया और देखें रेगुलर रेगुलर क्या होता है मीन्स जो नियमित हो आपने एक आपनेिफिक्स जोड़ दिया इरेग्यूलर अभी क्या हो गया एंटनिन हो गया अनियमित हो गया हो गया कि नहीं यानी एक प्रिफिक्स का केवल दो काम है बच्चों केवल दो काम कौन कौन सा याद हो गया आपको एक प्रिफिक्स कौन से कार्य करता है किसी शब्द का एंटनिन बना देता है या उस शब्द को वो वर्ब में कन्वर्ट कर देता है एक नई चीज है याद कर लीजिएगा फिर से फिर से एक प्रिफिक्स क्या होता है जो हम किसी मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं बच्चों वो क्या है हमारा प्रिफिक्स होता है एक प्रेफिक्स का कौन सा कार्य होता है एक प्रेफिक्स का केवल दो कार्य होता है कौन सा दो कार्य एक वर्ब बनाने का और एक एंटनिम बनाने का अगर आप समझ गए हो जल्दी से नो बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। थैंक यू अंशुमान बोले बच्चों सभी को समझ में आ गया एक प्रिफिक्स क्या होता है और एक प्रिफिक्स कौन से कार्य करता है जल्दी से यश आर नो बताएं। हां बिल्कुल शशिकांत एक वर्ब बना देगा या किसी का एंटनिम बना देगा वो एंटनिम या वर्ब में परिवर्तन करेगा बिल्कुल अभिषेक सही है बिल्कुल सार्थक नीरज आनंद सचिन सभी बच्चों को समझ में आ गया वर्ब और एक एंटोनिम बनाने का कार्य बिल्कुल कोई बच्चा नो नहीं लिख रहा सारे बच्चे समझ रहे हैं सभी बच्चे समझ ले रहे हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं है चलिए अगर मैं सबको समझा ले रहा हूं या तो मैं जादूगर हूं या आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं बच्चों बिल्कुल रिलीवेंट को देखे टारगेट यूपीएससी ने इलिवेंट बना दिया बहुत बढ़िया हाँ सुष्मिता बिल्कुल दो काम होगा एक प्रिफिक्स का एक एंटनम बना देने का और एक वर्ब में परिवर्तित कर देने का नो प्रॉब्लम थैंक यू शब्बीर क्लियर है बच्चों अब अगर इससे भी बेहतर हम जाने तो हम सफिक्स में जान सकते हैं ठीक बच्चों किसमें जान सकते हैं सफिक्स में तो प्रिफिक्स में कोई दिक्कत नहीं बच्चों की आपको कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ प्रेफिक्स तो हम क्या बता सकते हैं व्हेन वी ऐड समथिंग इन द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड प्राइमरी वर्ड जब हम एक मूल शब्द के शुरू में कुछ रखते हैं दिस इज कॉल्ड प्रिफिक्स कितने फंक्शंस होते हैं फंक्शन के आर टू फंक्शंस ऑफ अ एक के दो फंक्शन होते हैं क्या टू मेक अ वर्ब टू मेक और टू कन्वर्ट इन टू एंटनिम यानी किसी शब्द का वर्ब बना देना या उसका एंटोनिम बना देना चलिए थैंक यू बच्चों एक्चुअली आप नहीं जानते बच्चों ये इंडिविजुअल बैच मैंने बहुत मतलब इधर उधर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके फिर क्रिएट किए बल्कि उन्हें फेस करके हम लोग इसे चला रहे हैं और मन में हमेशा डर रहता था कि बच्चे सपोर्ट करेंगे नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा बट करीब 102 फॉर्म्स अगर मैं आपसे ईमानदारी से, से बताऊं तो 102 फॉर्म्स बच्चों ने अप्लाई किया भर के दिया और यहाँ मैं देख रहा हूँ चौंसठ पैंसठ बच्चे रेगुलर क्या कर रहे हैं देख रहे हैं ये आपका प्लस है बच्चों आपका सपोर्ट है लेकिन आप इस सपोर्ट को और बढ़ाएं बताएं बच्चों को क्योंकि ये चीज़ें ठीक है सारे टीचर्स पढ़ाते हैं सबकी अपनी बच्चों हैं। सबकी अपनी बच्चों रणनीति होती है सबके अपने अपने नॉलेज हैं सब लोग अच्छे हैं बट मैं अपने में विश्वास करता हूं और मैं चाहता हूं आप मेरे में विश्वास करें और आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सफेक्ष क्या होता है एक्चुअली सफिक्स की परिभाषा तो अभी से आपको तैयार हो गई होगी अगर एक प्रिफिक्स किसी प्राइमरी वर्ड के शुरू में लगता है बच्चों एक सफिक्स कहां लगेगा यू कैन अंडरस्टैंड किसी प्राइमरी वर्ड के बाद में जुड़ेगा क्लियर है ना किसी प्राइमरी वर्ड के बाद में उससे पहले हम ये देख लेते हैं सफिक्स शब्द कैसे बना होगा आपको अच्छा लगेगा देखें। ये आपका सफिक्स ठीक है लेकिन इसका शब्द देखिए कैसे बनाए ये दो वर्ड्स थे बच्चों सब प्लस फिक्स फिक्स तो इसमें भी है क्योंकि इसमें भी बाद में आपको जोड़ना ही रहता है फिक्स करना रहता है ये सब यहां है यहां तो सब फिक्स यहां तो बी कहीं है ही नहीं और यहां सब है और यहां फिक्स है और ये सब फिक्स हो गया क्यों क्योंकि जब भी आप एफ के साथ एक बी को जोड़ेंगे बी क्या हो जाएगा एफ में कन्वर्ट हो जाए आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे आप कैसे मीनिंग कन्वर्ट करते हैं ठीक है तो अब ये सफिक्स सब प्लस फिक्स आपने जोड़ा सफिक्स हो गया अगर मन में आए कि सर सब मीन्स क्या होता है सब मीन्स होता है बाद में और प्री मीन्स क्या होता है पहले है ना तो प्रीफिक्स जो प्राइमरी वर्ड के पहले आप जोड़ते हो सब फिक्स यानी सफिक्स जो प्राइमरी वर्ड के बाद में जोड़ते हो बच्चों दिस इज कॉल्ड सफिक्स Easy, समझ जाएंगे आप कोई भी ऐसा शब्द या पार्ट जो किसी प्राइमरी वर्ड के बाद में जुड़ता है वो क्या हो जाता है होता है क्लियर है देखिए बच्चों आपने कभी सोचा नहीं होगा बच्चों ऐसे ये नेम है ना नेम ये एक मूल शब्द है ना लेकिन आपने इसमें डी जोड़ दिया अब ये वर्ब हो गई आपकी और ये डी पता है क्या है ये एक सफिक्स है आपका और देखें ये वाइट है ना वाइट तो एक एडजेक्टिव होता है तो आपने एन जोड़ दिया ना ये एन क्या है एक सफिक्स है आपका और देखें ये ब्लैक है ना ब्लैक तो एडजेक्टिव है आपका आपने इसमें ई एन जोड़ दिया ना अब ये एक ई एन क्या हो गया एक सफिक्स हो गया आपका और देखें ये ये वांट है ना ये आपने ईडी जोड़ दिया ये ईडी क्या है आपका यह एक सफिक्स है लेकिन अगर आप किसी टीचर को भी डोमिनेट करना चाहते हो तो आप बता सकते हैं जो ईडी है वो क्या है एक बाउंड है बच्चों याद है ना यही सफिक्स जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं बाउंड मारफीम वही जो प्रिफिक्स आपने पढ़ा वो क्या होता है एक बाउंड मारफीम और जो मूल शब्द होता है उसी को हम क्या कहते हैं फ्री मारफीम कहते हैं इसी है तो ये आप देख रहे हैं ना ऐसे आप सफिक्स जोड़ते दे। हैं और देख ले बच्चों आप कहते हैं टॉल इसमें आपने ई आर जोड़ दिया ये क्या है एक है आपका और देख लें आ, ये है, आपने इसमें ई एस टी जोड़ दिया ये ई एस टी क्या है आपका सफिक्स है और देख ले आपने कहा पोएट ये एक नाउन है आपका ना आपने में डबल एस जोड़ दिया ये क्या है एक सफिक्स है आपका और देख ये बॉय है ये आपका एक नाउन है ना आपने इसमें एस जोड़ दिया ये बॉयज हो गया एस क्या है सफिक्स है यानी जितने प्राइमरी वर्ड्स है मूल शब्द हैं इनके लास्ट में अगर आप कुछ अलग से जोड़ते हैं तो वो जो, जो जोड़ रहे हैं वो क्या है सफिक्स है और एग्जाम्पल देख रहे आप ये सैड है आपका इसमें आपने एलवाई जोड़ दिया एलवाई क्या है एक सफिक्स है आपका ये आप और देख लें ये क्रिटिक है आपका ना इसमें आपने आई एस आई जेड दिया ये आई, आई, क्या है सफिक्स है आपका. है आपका क्लियर बच्चों लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है बच्चों अभी इसका असली जो खेल है बच्चों वो आगे समझ में आएगा यानी हम ये समझेंगे कि ये सफिक्सेस क्या क्या कर सकते हैं बच्चों और आप इस नए बच्चों को शायद विश्वास नहीं होगा एक सफिक्स नौ प्रकार के इतने नहीं बच्चों इतने नौ प्रकार के फंक्शंस करता है जबकि प्रीफिक्स कितने काम करता है केवल दो काम कौन कौन से दो काम बच्चों एक वर्ब बनाने का और एक एंटनिम बनाने का और एक सफिक्स कौन कौन से काम करता है नौ काम करता है बच्चों मैं आज ये ओरली बता रहा हूं कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक सफिक्स जो होता है वो नाउन बनाने का कार्य करता है एक सफिक्स एक एडजेक्टिव बनाने का कार्य करता है एक सफिक्स एक वर्ब बनाने का कार्य करता है एक सफिक्स एक एडवर्ब बनाने का कार्य करता है एक सफिक्स एक सफिक्स एक सिंगुलर प्लूरल बनाने का कार्य करता है एक सफिक्स एक डिग्री बनाने का कार्य करता है एक सफिक्स एक केस बनाने का कार्य करता है और एक सफिक्स एक जेंडर बनाने का कार्य करता है नौ प्रकार के फंक्शंस केवल कौन करता है सफिक्स और इसके द्वारा बच्चों आप किसी शब्द को बता सकेंगे कि वो नाउन है वो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब है और या वो वर्ब है मैं जाते जाते आपको एक शब्द दिखा रहा हूं फादरली ठीक है ये वर्ड है जल्दी से बता दें ये फादरली एडवर्ब होगा या वर्ब होगा बच्चों जल्दी से बताएं आप ये फादरली एक वर्ब होगा या एडवर्ब नहीं मनीष ऐसा नहीं मैंने द स्पीड छोड़ा नहीं है न द स्पीड ने मेरे को छोड़ा है लेकिन ऐसी कंडीशन है कैसे भी क्लास से चल सकते हैं सोच सकते हैं आप चलिए नीरज ने जवाब दिया कि एक एडजेक्टिव है अभी शो नहीं करें सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स बाउंड मॉर्फिम बिल्कुल सही है कुछ बच्चे विभाजित हैं कुछ इसमें एडवर्ब करें कुछ एडजेक्टिव कह रहे हैं जल्दी से बता दें बच्चों आज का हमारा लास्ट सेशन है और कल मैं आपको इतना सक्षम बना दूंगा कि आप किसी शब्द को देख करके गारंटी रखें बच्चों कि शब्द को देख करके आप बता सकेंगे कि वह नाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है या एडवर्ब क्लियर करें बच्चों आप कल हर हाल में बता लेंगे आप और ये पूंजी होगी उपलब्धि होगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो किसी शब्द को देख कर बता सकें कि नाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है या एडवर्ब है चलिए मिश्रित जवाब है बच्चों आपके लेकिन एक बच्चे ने देखे लिख के दिखाए प्रदीप ने लिख दिखा है बहुत बढ़िया प्रदीप आप लिखा कि नाउन प्लस एल वाई इज सॉरी नाउन प्लस एल एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव प्लस एल वाई जो होता है एडवर्ब होता है अब यहां देखते हैं बच्चों ये फादर क्या है एक नाउन है नाउन फादर है और जब एक नाउन में एल वाई जोड़ेंगे आप ना तो कतई एडवर्ब समझने की गलती ना करिएगा बढ़िया बढ़िया लोग बच्चों अच्छे-अच्छे टीचर्स मैंने इलाहाबाद में द स्पीड कोचिंग में एक बढ़िया टीचर का हम लोगों ने डेमो लिया था और मैंने उनसे कभी इतना पूछा था

कल के लिए फिर मिले हाँ समर। कल भी अभी एक क्लास आपके फ्री रहेगी एक्चुअली हम अपना ऐप बनवा रहे हैं बच्चों ऐप सुपर सिक्सटी के नाम से ठीक है उसी पर आपकी लाइव वीडियोस आपको मिलेंगे लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है एक दो दिन तीन दिन तब तक आपकी फ्री क्लास आप मिल रही है लेकिन इसके पहले आज से कल तक आप अपनी फीस डिपॉजिट कर लेंगे क्योंकि फीस एक्चुअली बच्चों ये सोलह सौ सो रुपए आपको जमा करनी है लेकिन इधर तीन चार दिनों के लिए ये फीस केवल आपको एक हजार रुपए मिनिमम पे की गई अगर आपकी कोई दिक्कत है तो वीडियो देखिएगा मैंने सचिन का नंबर दिया है उस पर कॉल कर लीजिएगा अगर नहीं दिक्कत है तो चौरानबे पचपन ग्यारह ग्यारह बारह पे आप यूपीआई कर सकते हैं या फोन पे कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने अपना अकाउंट नंबर भी दिया है वहां भेज सकते हैं लेकिन जो भी भेजिएगा उसका आपके पास रिकॉर्ड यानी स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए बच्चों ध्यान रखिएगा ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ गया बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल बच्चों कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो एक प्रॉब्लम जो समझ में आई बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर लाऊँ वो प्रॉब्लम इस बोर्ड की है मिटाने के बाद पूरा साफ नहीं हो रहा है इस पर हम कोशिश करेंगे कल से आज आपको बेहतर लगा होगा कल आपको याद होगा कई सारी दिक्कतें थी वो प्रॉब्लम आपके करीब करीब क्लियर हैं आगे ना आए ईश्वर करे लेकिन एक जो कमी समझ में आई इस बोर्ड की समझ में आए इसको हम लोग मैनेज करना होगा चलिए बच्चों हमेशा खुश रहें बच्चों और कोई भी आपकी शिकायत हो कोई भी दिक्कत हो मैंने कहा अपने टीचर को और अपने माता पिता को कभी भी उंगली न दिखाएं उन्हें गलतियां ना ढूंढें बच्चों उन्हें सजेस्ट करें उन्हें बताएं कि हाँ सर यहाँ पे ये कमी है और हमको आपको ईश्वर ने इतनी क्षमता नहीं दी है कि हम अपने पेरेंट्स में अपने टीचर्स में कमियां ढूंढ सकें इसलिए अगर कोई दिक्कत है आप मैंने शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप है कमेंट बॉक्स है कहीं पर भी बच्चों आप शेयर करें कि सर यहां और बेहतर किया जा सकता था उसी की शिकायत करने के बजाय आप उसको पॉजिटिव क्योंकि तो आपका भी मकसद वही बच्चों ना सीखना बेहतर बनना तो अगर कोई बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है बस उसे सपोर्ट करें बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को ये पास पहुंचे कि कोई ऐसा टीचर पढ़ा रहे हैं जो उन्हें बनाने की कोशिश करें ठीक है कल मिलेंगे आपसे इसी समय दो बजे जो बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किए हुए हैं वो बच्चे शाम को भी जुड़ सकते हैं छह बजे फ्री ऑफ कास्ट उसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं या जैसे भी हो किसी भी लेवल पे हो अगर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो शाम को छह बजे वो बच्चे वहां जुड़े लेकिन ध्यान रखें वही बच्चे जुड़ें जो ये शिकायत कर रहे करने नहीं समझ में आ रहा है बच्चे अगर आपको आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कंपिटिशन लेवल पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई बच्चा जो ठीक ठाक हो वो छह बजे मेरे से शाम को जुड़ सकता है इसी यूट्यूब के चैनल पर ठीक है हमेशा खुश रहे बच्चों हैव अ नाइस डे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो